सर्दियों को रात में एक बार ये क्रीम लगा लें, झाइयां, काले दाग धब्बे, झुर्रियां जड़ से खत्म, चेहरा चमकेगा हीरे की तरह। हेलो गाइस, आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ DIY मींस डू इट योर सेल्फ अ मैजिक विंटर क्रीम, जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। यू नो, अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर रिंकल्स पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुरदुरी स्किन हो रही है, सो इस मैजिक वाली क्रीम को ज़रूर बनाकर देखिएगा। यू नो, आप इसको जब बनाओगे तो आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप इस क्रीम से अपनी स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है बनाना, और इसी के साथ इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। इसको लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, और क्रीम का टेक्सचर कमाल है। जब अप्लाई करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई महंगी वाली क्रीम अपने स्किन पर अप्लाई की है। सो इफ़ यू हैव डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डल स्किन, ड्राई स्किन एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ग्लो एंड लाइट इन योर कॉम्प्लेक्शन, सो प्लीज़ आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैं वीडियो का बटन ऑन करना भूल गई थी बाय मिस्टेक, बट आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, आप इसी प्रोसेस से क्रीम को बनाइएगा, इसलिए कुछ स्टेप्स वीडियो के नहीं आ पाए हैं, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी करना चाहती हूँ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको तैयार करना, इसको बनाना, देखते हैं हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले गाइस, एक बॉल लीजिए और इसमें आपने 10 से 12 आलमंड यानी बादाम को भिगोकर रखना है। एटलीस्ट आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप बॉल में पानी डालें और इसको पूरे एक रात के लिए भिगोकर छोड़ दें। नेक्स्ट मॉर्निंग आप बादाम का जो पील होगा उसको निकाल दें और बादाम को एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर डालें और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसमें थोड़ा रोज़ वाटर डालेंगे, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस देखिए, आप एक बॉल के अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर लीजिए और इसमें थोड़े से आपने सैफ्रन डालने हैं। सैफ्रन यानी केसर, या फिर उर्दू में ज़ाफ़रान भी बोलते हैं। केसर हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस रोज़ वाटर को आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ दीजिए। अब जो आपने आलमंड पेस्ट है उसको आपने एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस सैफ्रन वाले वाटर में अच्छे से स्ट्रेन करना है। उसके बाद गाइस, मैंने इस क्रीम में एलोवेरा जेल को ऐड किया था। मैंने लगभग 3-4 टीस्पून इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड किया था। सौंदर्य, पतंजलि, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो मेरा जो था शूट नहीं हो पाया था। उसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। गाइस, इसमें 1/2 स्पून आलमंड ऑयल ऐड करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आलमंड ऑयल डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, रिंकल्स को दूर करता है। उसके बाद गाइस, आपने ऐड करना है इसके अंदर ग्लिसरीन। मैं सिर्फ और सिर्फ 3-4 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। एंड अगर कि ज़्यादा ड्राई, बिल्कुल उखड़ी उखड़ी स्किन रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, जब तक एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आपको क्रीम की, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। देखिए, आप इसमें जितना एलोवेरा जेल ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ कंसिस्टेंसी आएगी। मैंने इसमें 3-4 टीस्पून ऐड किया था, बट क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है क्रीम की, जिससे कि पूरा विंटर ये क्रीम यूज़ की जा सके। इस क्रीम के आगे हज़ारों वाली क्रीम भी फैल हैं और ये इतना अमेजिंग आपको रिजल्ट देगी। यू नो, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से डीपली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी। आपको बहुत लाइट वेट क्रीम है, बहुत अच्छा फील होगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। गाइस, अगर आप इसको रेगुलरली विंटर टाइम में रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे, सो ओनली 7 डेज के अंदर आपको आपकी स्किन के अंदर विजिबल डिफरेंट दिखाई देगा, विजिबल चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मस्ट यू ट्राई दिस क्रीम इन दिस विंटर एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक ऑन कॉमेंट सेक्शन। आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक से मुझे प्यार मिलता है आपका, जिससे फ्यूचर में भी अच्छे अपडेट्स लाने की मैं ट्राई करती हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाली सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।